सबसे पहले हम देखते हैं एक लड़के को जो कॉमिक के लिए दीवाना था और वो एक कॉमिक लेकर यानी कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ 5 का इशू 4 लेकर अपने घर ही जा रहा था और तभी उसे बॉक्स में कुछ दिखता है। उसे ओपन करते हुए उसके ऊपर की सारी डस्ट उसके नाक और मुंह में चली जाती है और वो देखता है कि अंदर थी मशीन मैन द लिविंग रोबोट एंड हावर्ड द डकी कॉमिक और वो ये देखकर खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर गेम खेलने के बाद कुछ पोस्ट करके थोड़ी देर बाद सो जाता है और जब वो रात को उठता है तब उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा जाता है अपने बाथरूम की तरफ और तब वो देखता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और इसी के साथ आज का इश्यू शुरू होता है, इसका नाम है अ प्लग ऑफ वन। वही यहाँ पर हमारे अर्थ के आर्मर हेडक्वार्टर में हम देखते हैं मिचेल मॉर्बियस की लैब, जहाँ पर लेटर्स का आकर उसे पूछता है, मिचेल मुझे ये नहीं जानना कि आर्मर की टेक्नोलॉजी बाहर कैसे गई, लेकिन तुमने फील्ड एजेंट्स को उस क्वारंटाइन डायमेंशन में भेजा उस प्लेनेट स्ट्रोम के थ्रू जहाँ पर जॉम्बी वायरस पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है, क्या सोचकर तुमने ऐसा किया। इस पर मॉर्बियस उस पर चिल्लाते हुए कहता है यही एक रास्ता था उस डिजीज को क्योर करने का जो हमारे वर्ल्ड में है, मल्टीवर्स के सारे वेरिएशंस को कंपेयर करके उसके साथ। जिस पर वो कहता है तो तुमने इसके लिए उस जिंदा वायरस को यहाँ पर लाने का रिस्क लिया उन एजेंट्स के थ्रू, तुम्हें क्या लगता है वो वायरस जिसने हमारे डायमेंशन को दो बार तबाह कर दिया उसके साथ कोई रिस्क नहीं होगा। जिस पर वो डायरेक्टर को बताता है तुम उन्हें रोक नहीं सकते, डायरेक्टर लिटर्स का है, क्योंकि उन्होंने लगभग सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए है और अब मेरे जॉम्बी हंटर्स आई ऑफ प्लेनेट्रोम में दाखिल होने वाले है जहाँ पर प्योरेस्ट स्ट्रेन होगा उस वायरस का। वही दूसरी तरफ मशीन मैन चेकाली और डग यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर चेकाली उसे पूछती है कि हम कहाँ पर है। इस पर डग बताता है कि आर्मर ने इसे लिस्ट नहीं किया लेकिन लगता है कि ये अर्थ जीरो है। तब मशीन मैन पूछता है तो यहाँ पर अंडेड का कौन सा टाइप है। इस पर वो कहता है यहाँ पर है टाइप 928 और जैक्सन, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है। तब चेकाली उसे पूछती है तो इस अल्टरनेट वर्स में क्या है, वेयरवुल्व्स, पायरेट्स, स्पेस निंजास या फिर और कुछ। जिस पर डक कहता है ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा लेकिन इस डायमेंशन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। और तभी हम देखते हैं उस लड़के को जो जॉम्बी बन चुका था और वो खुद से ही बातें कर रहा था कि इसके बारे में मुझे विकिपीडिया पर सर्च करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हंगर उससे पहले ही उसे अपने चपेट में ले लेती है और वो भागता है अपने फ्रिज की तरफ और वहाँ के सारे खाने पीने की चीज़ें वो खत्म कर देता है। लेकिन वॉमिटिंग करने के बाद उसका ध्यान अपने तोते की तरफ जाता है और वो उसे खाने वाला होता है कि तभी वो उसे छोड़कर उसकी खिड़की की कांच तोड़कर कहता है जाओ जाओ यहाँ से, और अकेला रहकर खुद से कहता है इसके लिए मैं मरने के लायक हूँ या फिर मैं पहले ही मर चुका हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे की घंटी बजती है और वो उठकर देखने जाता है। तब उस वक्त उसके माइंड में ये चल रहा था कि क्या वहाँ पर शैडो गवर्नमेंट है या फिर MIB के लोग, उन्होंने मुझे ढूंढ कैसे निकाला और अब वो मेरे साथ क्या करेंगे, क्या वो मुझे एरिया 51 में ले जाकर मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर मेरे इन्फेक्टेड सेल्स के जरिए अपनी ही एक कभी ना रुकने वाली अंडेड सुपर सोल्जर्स की आर्मी क्रिएट करेंगे। मुझे इन सारे सवालों का जवाब उन्हीं से मिल सकता है। और तब वो देखता है कि बाहर एक लड़की थी जो अपनी कुकीज बेचने आई थी और वो दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ देख रहा था। तब वो कहती है कि आप कितनी कुकीज़ लेना पसंद करेंगे और उसके देखने से यह लग रहा था कि वो उसे खा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को उस कुकी बॉक्सेस के साथ अपने घर में बैठे हुए, जहाँ पर वो कह रहा था अच्छा हुआ कि ये वायरस पहले मुझे इन्फेक्ट कर रहा है वरना पता नहीं कि यह कहाँ कहाँ पर और लोगों को इन्फेक्ट करता फिरता। और तब वो रिसर्च करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था और तभी वो निकलता है एक स्वॉर्ड और कहता है कि अब टाइम है इस वायरस के साथ कुछ अमेजिंग करने का, फिर खुद ही इस वायरस को खत्म करने का। और वो खुद को मारने की कोशिश भी करता है और तभी उसका ध्यान जाता है उसके लैपटॉप की तरफ, जिसे देखकर वो कहता है अगर सेक्रीफाइस किसी को पता ना चले तो वो किस काम का। और वो कहता है शायद मैं इसकी मदद से ब्लॉक या फिर फेस कैमिंग कर सकूं। और तब वो ऐसा करता भी है लेकिन उसके जवाब में उसे बहुत बुरे बुरे कमेंट आते हैं और तब वो खुद पर एक लाइटर फ्यूल डाल के खुद को जलाने वाला होता है। वो खुद को जलाने ही वाला था कि तभी उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो कहता है खुद को जलाना एक सेल्फिश काम है लेकिन अब वर्ल्ड ये देखेगा कि ईविल पन्ना कितना बुरा होता है। और वो अपने कबट में देखता है सारे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम को, जिसे देखकर वो कहता है मैंने इसी के लिए
सुपर हीरो कोल्सप्ले कॉस्ट्यूम यहीं पर रखे थे और वो उन्हें पहनकर बाहर जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं उस औरत को जो चिल्ला रही थी और चिल्लाने के साथ साथ वो अपने किसी फ्रेंड के साथ गॉसिप शेयर कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हावर्ड द डक हीरोइक एंट्री मारते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और वो देखता है उस ज़ॉम्बी को जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। और आगे बढ़कर जेकाली उसके सामने हाथ फिराकर कहती है आखिर इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन मशीन मैन उससे आखिरी सैंपल कलेक्ट करते हुए कहता है मेरे हिसाब से ये अनरियलिस्टिक कपलिंग है मायोसिन और एक्टिन के बीच, जिसकी वजह से मसल्स पूरी तरह से जैम हो चुके हैं, जो कि राइजर मॉर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। तब वो जॉम्बी कह रहा था मैं सच में मशीन मैन और हावर्ड द डक को देख रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा वरना मैं उनसे साइन करने को कहता। और तभी डक कहता है तो एरन तुम्हें फाइनल सैंपल मिल गया तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। और तब एरन अपने हाथ में गन लेकर उस जॉम्बी को चला देता है और इसी के साथ खत्म होता है ये एपिसोड। ये एपिसोड पूरी तरह से पागलपन था, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि मैं मेरे चैनल में क्या सुधार कर सकता हूँ। और तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।